जय जवान जय किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आओ हम सब मिलकर अपने जवानों को अपने किसानों को शक्ति दो। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चले सुबह सुबह सभी देशवासियों और हमारे चैनलों के दर्शकों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है आज सुबह टाइम्स परिवार। हम सभी लोगों को एक साथ चलकर एक नई उमंग, नई तरंग और नई सुबह, नई दिशा, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी को अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा अच्छी अच्छी बातें जो है सोचना चाहिए। हम सभी को कभी दुख नहीं होनी चाहिए और ना ही मन को उदास करना चाहिए और ना कभी आप निराश होना चाहिए। हमेशा आप आगे बढ़ते रहो और एक न एक दिन मुकाम जरूर आपके पांव छुएंगे, कदमों पांव छुएंगे। हम सभी को अपने कार्यों पर हर्ष उल्लास और जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ संघर्ष के साथ करनी चाहिए, जिससे कि हम सभी को एक दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा भी लेते रहना चाहिए। हम सभी को अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से, अपने माँ पिता से, सभी से जो है कुछ न कुछ नई बातें सीखना चाहिए, और जो कि हम सभी को अपने तन मन से कार्य करने का एक अलग अनुभव मिलती है। तो हम खुशी इस बात की होती है कि आपका मेहनत, आपकी लगन, सुख समृद्धि जब बनी रहती है तो हमारे पूर्वजों के ही वजह से होती है। तो हम सभी को सुख समृद्धि, यदि अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहिए तो सबसे पहले बुजुर्गों का हमेशा चरण स्पष्ट करना चाहिए। वो हमारे और आपके भगवान समान हैं। हम सभी लोगों को दुख सुख में वह सहभागी हैं और हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही आपको बताएंगे। बुजुर्ग कभी भी आपको गलत बातें नहीं बताते और हमेशा अच्छी शिक्षा के साथ साथ आप उनकी रूपरेखाओं के मार्ग पर आप चल सकते हैं। तो यह सुख दुख में सभी लोगों को एक क्षण के लिए आती है और एक क्षण में चली जाती है। बस आपको क्या करना है, लगन से काम करना है, लगन से मेहनत करना है और वह जो है हमेशा जो है आपको एक मनोबल और गौरवशाली आपको प्राप्त होगी। तो जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर एक जो है शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभागिताओं जैसे कि ISPCS के लोग जो तैयारी करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मेहनत का फल जरूर मिल जाता है। तो सफलता यदि पाना है तो घोर संघर्ष और जो है मेहनत करना पड़ता है, चाहे खेती का काम हो या जो है पढ़ाई लिखाई का कार्य हो या आपको किसी मार्ग पर चलने की बात हो। यदि आपको कहीं जाना है तब भी आपको दो पैदल से ही जाना होगा और मेहनत करना होगा। मोटर गाड़ी से जाते हैं तो आपको आधा घंटा और 10 मिनट में आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आप पैदल जाएंगे तो वही तो समय लगेगा। तो इसलिए मेहनत करने वाले हमेशा सफलता जरूर मिलती है और वो शिखर जरूर छूते हैं। तो अच्छी मार्ग अपनाइए और बुजुर्गों का जरूर से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि उनके बगैर सब कुछ अधूरा है। बस हम यहीं तक, फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।